पवनदीप राजन की वजह से मेहमान करण जौहर की आंखों में आ गए आंसू। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप जान ही चुके होंगे कि इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले लेटेस्ट एपिसोड में भारत के सबसे बड़े फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मेहमान बनकर आने वाले हैं। वो हैं करण जौहर। जी हाँ, सोनी टेलीविजन ने आने वाले एपिसोड के प्रोमो में उनकी तस्वीर भी दिखा दी है और कुछ ही टाइम में हमें ट्रेलर्स में ये भी पता लग जाएगा कि वो कंटेस्टेंट्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। बात करते हैं शो के स्टार कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो पवनदीप राजन ने इस बार एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि सामने बैठे मेहमान करण जौहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी हाँ, पवनदीप राजन ने उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम का टाइटल गाना गाया और पवनदीप की ये परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि सामने बैठे मेहमान करण जौहर भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस डेडिकेट थी करण जौहर जी के पिताजी को, यश जौहर को। जी हाँ, और उनके लिरिक्स कुछ ऐसे थे, सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाएं, देखे जहाँ भी तुझको बस तुझको ही पाए। ये अल्फाज जैसे ही पवनदीप के मुँह से निकलते हैं करण जौहर भावुक हो जाते हैं। इस परफॉर्मेंस पर वो स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा सोचता था कि पवनदीप आप में ऐसा क्या खास है कि आने वाला हर कोई आपकी तारीफ करता है, पर जब मैं यहाँ आया और मैंने सुना तो खुद को पाया कि नहीं, आप खास हैं। तो इस तरह इतने बड़े फिल्म मेकर ने पवनदीप राजन की तारीफ की और शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें पवनदीप की गायकी पसंद आए और आने वाली किसी बड़ी फिल्म में पवन को मौका मिले। दोस्तों, क्या आप पवन के इस लेटेस्ट परफॉर्मेंस को सुनने को एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।